हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज से लक्ष्मी चंद्रवंशी 75% ओपन एमबीबीएस सीट और झारखंड नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएचएमएस फर्स्ट राउंड दोनों का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को आज से 5 सितंबर तक अपना एडमिशन प्रोसेस करवा लेना है, अदरवाइज उसका फर्स्ट राउंड का अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, यानी यदि आप फर्स्ट राउंड के एलोटेड सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज रिपोर्ट किए बिना सीट को छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड के एलोटेड सीट पर एडमिशन लेना ही है, बट यदि आप फर्स्ट राउंड के एलोटेड सीट को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको अपने उस एलोटेड कॉलेज में रिपोर्ट करके अपने एलोटेड सीट पर एडमिशन लेकर अपना सीट को अपग्रेड करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप फर्स्ट राउंड को फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री एग्जिट का डिसीजन सोच समझ कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में सीट मिल जाए इसका कोई सियोरिटी नहीं है। फ्रेंड्स, फ्री एग्जिट करने से क्या होगा कि आपका सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगा और आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन फ्री एग्जिट करने से आपका प्रीवियस सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर झारखंड में सीट अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस है, क्योंकि इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स का लगातार मैसेज मेरे पास आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सीट अपग्रेडेशन प्रोसेस का बात करें तो देखिए, हर एक स्टेट में सीट अपग्रेडेशन का अलग अलग रूल होता है, लेकिन झारखंड में सीट अपग्रेडेशन के लिए सबसे पहले आपको एलोटेड सीट पर एडमिशन लेना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग का वेट करना है। और हाँ, आप लोगों को कॉलेज से कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। जब नेक्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम आपको सही ऑर्डर में चॉइस को फिल कर देना है और नेक्स्ट राउंड रिजल्ट का वेट करना है। और हाँ, चॉइस फिलिंग के टाइम ध्यान रखें कि कॉलेज का सिक्वेंस सही ऑर्डर में हो, यानी पहला प्रेफरेंस को ऊपर रखें। और दूसरी बात कि आप एलोटेड कॉलेज को सिक्वेंस में ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉलेज आपको मिल चुका है। यदि दोबारा फिर से सेम एलोटेड कॉलेज को सिक्वेंस में रख देते हैं तो दोबारा फिर से सेम कॉलेज अलॉट हो सकता है और आपको अगेन सेम कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। इसलिए ध्यान रखें कि अलॉटेड कॉलेज को छोड़कर बाकी का हायर चॉइस का कॉलेज को प्रेफरेंस में रखें, ताकि अगर अपग्रेड होना होगा तो अपर प्रेफरेंस का कॉलेज अपग्रेड होगा, अदरवाइज प्रीवियस कॉलेज आपका सेफ रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को फ्री एग्जिट और सीट अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।